हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 90s की फिल्मों में बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ हीरो बनकर आया करते थे अभिनेता आसिफ शेख। एक के बाद एक फिल्म मिलते जा रही थी, कुछ चलती कुछ नहीं, लेकिन काम की लाइन लगी हुई थी। पहले हीरो बनकर अभिनय का जलवा दिखाया, फिर विलेन के रोल दिए जाने लगे तो उसमें भी बड़े बड़े अभिनेताओं को टक्कर देना शुरू कर दिया। मगर क्या हुआ कि अचानक आसिफ शेख काम के लिए दर दर भटकने लगे। ऐसा क्या हो गया कि 90 का यह हीरो, जिसकी एक्टिंग दमदार थी, उसको टीवी पर शादीशुदा औरतों के पीछे भागने वाला छिछोरा बनना पड़ा। क्या आपको पता है, एक डायरेक्टर के धोखे ने उनका ये हाल कर दिया था। चलिए आज आसिफ शेख के फिल्मों में आने का दिलचस्प किस्सा और उनके बॉलीवुड करियर फ्लॉप होने की कहानी सुनाते हैं। यह वीडियो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। आपने टीवी पर अक्सर एक अभिनेता को विवाहित औरत के पीछे भागते हुए देखा होगा। आप सोचते होंगे कि कहीं तो आपने इस अभिनेता को देखा है जो टीवी पर छिछोरे रोल करता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही हैं। ये टीवी कलाकार 90s के बॉलीवुड का हीरो हुआ करता था, जिसने सलमान खान के साथ ही हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, जिसके पास काम की कोई कमी नहीं थी, मगर फिर उसे बॉलीवुड छोड़कर टीवी पर छिछोरों के किरदार करने पड़े। वैसे आसिफ के बॉलीवुड में आने का किस्सा बड़ा रोचक है। 11 नवंबर 1964 को दिल्ली में पैदा हुए आसिफ का बचपन यूपी के बनारस में बीता। यहीं पर वो पढ़ लिख कर बड़े हुए। कभी सोचा ही नहीं था कि फिल्मों में हीरो बनना है। पिता भी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे। आसिफ को होटल मैनेजमेंट में बड़ी दिलचस्पी थी। बस 12वीं पास कर दिल्ली के खालसा कॉलेज में होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन ले लिया। फिर अचानक जिंदगी पलट गई। हुआ ये कि इनके कुछ दोस्त रंगमंच से जुड़े थे और थिएटर किया करते थे। आसिफ को भी एहसास होने लगा कि वो होटल में काम करने के लिए नहीं, रंगमंच में अभिनय के लिए बने हैं। बस उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग में जाने का फैसला कर लिया। पिता को जैसे ही उनके कोर्स छोड़कर थिएटर ज्वाइन करने की बात पता लगी, वो आग बबूला हो गए। गुस्से के मारे बाप बेटे के बीच 6 महीने तक बात ही नहीं हुई। पिता ने साफ बोल दिया कि मेरे बेटे हो, मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन मैं एक्टिंग वैक्टिंग में जाने के लिए कभी इजाजत नहीं दूंगा। मगर आसिफ भी अपनी धुन के पक्के थे और थिएटर में लगे रहे। एक से बढ़कर एक दिग्गज थिएटर किया करते। शुरुआती कुछ महीनों में तो उनको बगल में खड़े होने की जगह भी न मिलती। फिर धीरे धीरे वक्त बदला और मौके मिलने लगे। फिर एक दिन किस्मत से बड़ा ब्रेक मिल गया। 1983 के आसपास की बात है। दूरदर्शन पर एक पारिवारिक शो बनने जा रहा था। डायरेक्टर पी कुमार वासुदेव शो के लिए कलाकारों का चयन कर रहे थे। आसिफ को ये बात पता लगी तो वो भी ऑडिशन देने पहुंच गए। वहां देखा तो पहले से ही 500 युवक लाइन में खड़े हुए थे। वो समझ गए कि यहाँ तो दाल नहीं गलने वाली। फिर भी अपनी बारी आई तो ऑडिशन दिया। डायरेक्टर ने थोड़ा कैमरा टेस्ट लिया और बेरुखी से बोले, अब तुम जाओ। आसिफ ने सोचा कि मामला गड़बड़ा गया। वो चले तो आए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता लगा कि हजारों युवकों को किनारे करके उनको चुन लिया गया था। 1984 में वो मशहूर सीरियल आया था हम लोग। इसमें प्रिंस अजय सिंह का किरदार आसिफ ने ही निभाया था। जवानी में ही उन्होंने दूरदर्शन पर अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया था। सिर्फ लोगों का ही नहीं, बल्कि उस दौर में फिल्में बनाने वाले मशहूर मिर्जा भाइयों का ध्यान भी उनकी ओर चला गया। 1986-87 के आसपास की बात है। मिर्जा भाई राज बब्बर के साथ फिल्म बना रहे थे। आसिफ उनसे मिलने पहुंचे तो तीनों भाई एक पल में समझ गए कि लड़के में दम तो है। कैमरा टेस्ट लिया, पहली बार में पास। बस तीनों भाइयों ने आसिफ को लॉन्च करने का फैसला कर लिया। लीड रोल दे दिया राज बब्बर जैसे स्टार के साथ। हीरोइन बनी किमी काटकर।
1988 में दो स्टार बॉलीवुड में लॉन्च हुए, सलमान खान बीवी हो तो ऐसी से और आसिफ रामा ओ रामा से। दोनों ही फिल्में खास तो नहीं चली, लेकिन सलमान से ज्यादा तारीफ आसिफ की अदाकारी की हुई थी। कम ही लोग जानते होंगे कि करियर की शुरुआत में आसिफ ने सलमान तक को पछाड़ दिया था। जी हाँ, पहली फिल्म के बाद सलमान के पास जहाँ एक फिल्म थी, वहीं आसिफ एक साथ 9 फिल्में ले गए थे। 4 फिल्में 1990 में रिलीज हुई, जो थी कयामत की रात, अग्निकाल, मुकद्दर का बादशाह और हक। वहीं अगले साल बाकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जो थी प्यार का सौदागर, यारा दिलदारा, स्वर्ग जैसा घर, लहूलुहान और एक फुल चार हाफ। वहीं 1992 में भी 3 फिल्में उनके पास थीं। ये अलग बात है कि सलमान खान को किस्मत से मैंने प्यार किया फिल्म मिल गई, जिसने उनको रातों रात स्टार बना दिया था। वहीं आसिफ एक बेमिसाल एक्टर होते हुए भी ऐसे ही किसी फिल्म के लिए तरसते रहे। इसी वजह से धीरे धीरे आसिफ के पास लीड रोल आने बंद हो गए। अब वो कैरेक्टर रोल करने लगे, मगर यहाँ भी उन्होंने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। कई रोल तो ऐसे निभा डाले कि हीरो तक उनके आगे फीके पड़ने लगे। जैसे 1994 में आई करण अर्जुन फिल्म में उनका ठाकुर के बेटे सूरज सिंह का रोल। ऐसी शानदार एक्टिंग कि कई सीन्स पर सलमान खान पर भारी पड़ते नजर आए। लोगों को इस फिल्म में सलमान शाहरुख का कोई डायलॉग भले न याद रहा, लेकिन आसिफ का हंसते हुए व्हाट अ जोक डायलॉग कहना आज भी लोग नहीं भूल सके। मगर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि एक बेजोड़ अभिनेता को बॉलीवुड छोड़कर जाना पड़ा और टीवी पर शादीशुदा औरतों के पीछे भागने वाले रोल करने पड़ गए? इसके पीछे की कहानी बॉलीवुड वालों का काला सच है, जो अच्छे खासे अभिनेता का करियर बर्बाद कर डालते हैं। इनका ही शिकार आसिफ भी हो गए। हुआ ये कि 94-95 के बाद आसिफ को चरित्र अभिनेता के किरदार तो मिलते रहे, लेकिन इनके रोल को या तो काट छाट कर छोटा कर दिया जाता, या फिर इतना महत्वहीन कि पता ही नहीं चलता कि ये भी फिल्म में थे। आसिफ को डायरेक्टर निराश करते जा रहे थे, मगर इसी बीच उनको उम्मीद की किरण नजर आई मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन में, जिन्होंने पहली बार इनको अपनी फिल्म ऑफर की। डेविड धवन ने कई एक्टरों को स्टार बना दिया था, ऐसे में आसिफ भी खुश हो गए कि अब बॉलीवुड में इनके दिन भी बदल जाएंगे। 1997 में डेविड की पहली फिल्म बनारसी बाबू मिली, विक्रम का किरदार किया। फिर 1999 में डेविड के साथ दूसरी फिल्म हसीना मान जाएगी की। फिर 2000 में कुंवारा और 2001 में जोड़ी नंबर 1 में भी काम किया, लेकिन डेविड धवन से उनको सबसे ज्यादा धक्का लगा। फिल्में हिट होती जा रही थीं, लेकिन आसिफ शेख के रोल काट छांट कर ऐसे बना दिए गए कि उनका करियर ही डूब गया। डेविड धवन का नाम लेकर ये दर्द आसिफ ने खुद ही सालों बाद बयां भी किया था। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया कि उनको काम ही मिलना ठप हो गया। रुपयों की किल्लत ऐसी हो गई कि उनको अपनी सोने की चेन बेचकर गुजारा करना पड़ा। बॉलीवुड में करियर बर्बाद हो गया था तो मुंबई छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। फिल्मों में करियर ठप हो गया तो उन्होंने टीवी का रुख कर लिया। यहाँ यस बॉस कॉमेडी शो मिला, जिसमें राकेश बेदी भी थे। टीवी पर थोड़ी पहचान बनने लगी तो फिर सीरियल भी मिलने लगे। एक नई पहचान मिली, लेकिन कॉमेडियन के रूप में। फिर 2015 में भाभी जी घर पर हैं शो आया, तो उसमें भी शादीशुदा औरत के पीछे भागने वाले विभूति का रोल ऑफर हो गया। आसिफ ने इस शो के जरिए घर घर पहचान तो बना ली, लेकिन उनके जैसे बेजोड़ अभिनेता की छवि जरूर खराब हो गई। वैसे आसिफ अपने टीवी के सफर से खुश हैं, लेकिन बॉलीवुड वालों से उनको धोखा न मिलता तो वो फिल्मों में भी चमक रहे होते। आसिफ मुंबई में ही परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम जेबा है और दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटी मरियम और एक बेटा अलीजा। दोस्तों, आपको आसिफ शेख फिल्मों में कैसे लगते थे? उनकी कोई हिंदी फिल्म या किरदार आपको याद हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।